वीटी बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा के टीआरएस कॉलेज के छात्र छात्राओं व एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा आज फिर से विरोध किया गया। ऑफलाइन आयोजित होने वाली परीक्षाओं को निरस्त करने और ओपन बुक प्रणाली से परीक्षाएं कराए जाने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं का घंटों प्रदर्शन व नारेबाजी चलती रही। साथ ही छात्र छात्राओं ने कॉलेज की प्राचार्या को अंतिम चेतावनी देकर अपनी मांगे रखी हैं। एनएसयूआई प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी ने कहा कि ये पेपर इस महामारी में नहीं होने देंगे। सरकार ने शादी व मृत्यु में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित की है, लेकिन हम लोग हजारों हजारों की संख्या में पेपर देने पहुंचेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज के प्रदर्शन पर कॉलेज प्रशासन से उचित निर्णय लेने का आश्वासन भी मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो सभी छात्र एवं एनएसयूआई के कार्यकर्ता आगे की लड़ाई का रास्ता तय करेंगे। क्या मांगे थे? जैसा कि आप सबको सूचित है, प्रदेश भर में हमारे एनएसयूआई के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी के नेतृत्व में हर महाविद्यालय विश्वविद्यालय में ओपन बुक प्रणाली से ऑनलाइन प्रणाली से पेपर कराने की मांग कर रहे हैं। हमने भी मांगे रखी थी, लेकिन 87 ऑटोनॉमस होने के चक्कर में टीआरएस कॉलेज ने अपने मनमानी तरीके से पेपर की परीक्षाएं आयोजित कराई। 11 तारीख से 10 तारीख से परीक्षाएं होनी थी, सर पे कोरोना का संकट मंडरा रहा, ओमिक्रोन नया वेरिएंट तेजी से पैर पसार रहा है। सरकार ने भी गाइडलाइन तय की है कि शादी ब्याह में 200 लोग रहेंगे और मृत्यु हो जाने के उठावना में 60 लोग रहेंगे। तो क्या 500 लोग 1000 लोग परीक्षा हॉल में पेपर देंगे? मैं उस चीज़ के लिए आज फिर से प्रदर्शन कर हमारे एनएसयूआई के साथियों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी कर मांग रखी है और अंतिम चेतावनी हमने दी कि आज हमारी मांगे मानी जाए और हम ये पेपर नहीं देंगे। सरकार छात्र हित में और महाविद्यालय निर्णय ले, उचित आश्वासन मिला है। अगर निर्णय नहीं लिए जाते हैं तो हम आगे के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि छात्र छात्राओं की मेहनत और उनकी मांग और जो सार्थक मांग है वो तो छात्र हित में निर्णय आएंगे। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत गायत्री नगर में न्यू ईयर की रात हुई ट्रांसपोर्ट कारोबारी की अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि घटना वाली रात मृतक की कार डिवाइडर से नीचे उतर गई थी। ऐसे में ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने कार को निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब कार बाहर नहीं निकली तो छोड़कर पैदल घर की ओर जाने लगा। तभी सामने से दो युवक पैदल नशे की हालत में मेन रोड की ओर आ रहे थे, जहां कुछ मिनटों के लिए ट्रांसपोर्ट कारोबारी की कार निकलवाने में मदद मांगने पर दोस्ती हो गई। इसी बीच आरोपियों ने सिगरेट पीने को लेकर कहासुनी कर दी। देखते ही देखते दोनों आरोपियों ने पत्थर उठाकर मारपीट कर हत्या कर दी। मौत हो जाने पर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को दीवार के किनारे छिपाते हुए पत्थर पटक कर चेहरा खराब कर दिया गया था। इसके बाद तीसरे आरोपी की बाइक में बैठकर तीनों फरार हो गए। अंधी हत्या के बाद विश्वविद्यालय थाने में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने साइबर सेल की मदद से घटना की जांच शुरू की। साथ ही घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। वहीं मोहल्ले व हाईवे के आसपास रहने वाले कई लोगों से बयान लिए गए, तब जाकर घटना का खुलासा हुआ। बता दें कि 2 जनवरी की सुबह 10:30 बजे विश्वविद्यालय थाना प्रभारी निरीक्षक जेपी पटेल को गायत्री नगर मोड़ के पास एक शव मिलने की सूचना मिली थी। रीवा रेलवे स्टेशन में एक महिला रेलकर्मी से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। बीती रात इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 में आकर खड़ी हुई थी, तभी महिला रेलकर्मी ट्रेन के पीछे वाले हिस्से की ओर शटिंग कराने पहुंची थी, क्योंकि रात में ट्रेन को धुलने जाना था। लेकिन पहले से गार्ड बोगी में बैठे अज्ञात आरोपी ने महिला के साथ मारपीट करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। जान बचाकर भागी पीड़िता पॉइंट मैन महिला रेलकर्मी की शिकायत पर चौराहा थाने में आईपीसी की धारा 311, 323, 506 और 342 का अपराध दर्ज किया गया है। पॉइंटमैन के पद पर तैनात महिला रेलकर्मी प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 में पहुंचकर अन्य कर्मचारियों को मामले की जानकारी दी, लेकिन रीवा जीआरपी थाने में महिला पुलिस अधिकारी न होने की वजह से पीड़िता वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में चौराहा थाने पहुंची। बताया गया कि देर रात करीब 12 से 1 बजे के बीच महिला रेलकर्मी से दुष्कर्म की जानकारी महिला थाना प्रभारी निरीक्षक प्रियंका पाठक को दी गई। वह सूचना मिलते ही चौराहा थाने पहुंच गई, जहां उन्होंने महिला रेलकर्मी से बयान लेते हुए संजय गांधी अस्पताल मेडिकल चेकअप के लिए भेजा था। MLC रिपोर्ट आने के बाद चौराहा थाना पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि वारदात करने वाला आरोपी अज्ञात है, उसको ना पीड़िता पहचान पाई और ना रेलवे की ओर से कोई अधिकृत जानकारी मिली है। फिलहाल रीवा रेलवे स्टेशन में लगे विभिन्न सीसीटीवी कैमरों से फुटेज देखकर आरोपी की तलाश की जा रही है। ये रात में जो अपने यहाँ इंटरसिटी ट्रेन आती है, उस इंटरसिटी ट्रेन में ये महिला सेंटरिंग का काम करती थी।
इस तरह का इसका कहना था कि जब ये सेंटरिंग के काम करने के लिए गाड़ी की बोगी में थी, उसी समय एक व्यक्ति के द्वारा जिसको वो जानती नहीं है आया और इससे बदतमीजी करने लगा। इसने मना ना किया तो उसने इसके साथ मारपीट की, 2-3 बार इसको उठा के पटक पटक दिए। इस तरह की महिला ने शिकायत की और बता रही थी कि इसकी जांघ के आसपास उसने काटा भी। उसकी रिपोर्ट पर से जब ये थाने पहुंची तो पुलिस ने तत्काल इसको महिला के साथ ऐसी हुई अभद्रता के संबंध में संज्ञान में लिया। महिला पुलिस अधिकारी को बुलाया गया और रात्रि में ही और अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है। आरोपी के बारे में भी पता नहीं चला। CCTV फुटेज के बारे में TI लगे हुए हैं, रेलवे से संपर्क हो गया है और वो CCTV फुटेज दिखा के आरोपी की पत्थरसाजी के बारे में सहयोग कर रहे हैं। रीवा के कृषि उपज मंडी में आज किसानों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। बता दें कि बिकी हुई सरकारी धान को दोबारा सरकारी खाते में जमा कराने वाले नोडल अधिकारी के निलंबन के बाद आज समिति का ताला ही नहीं खुला, जिसके कारण खाद न मिलने से नाराज किसानों ने चक्काजाम कर दिया। आक्रोशित किसानों ने खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए आरोपियों से खाद दिलाने की मांग की। इस दौरान जाम खुलवाने मौके पर पहुंचे पुलिस बल के साथ किसानों की घंटों बहस चली, जिसके बाद तहसीलदार के आश्वासन के बाद जाम को खुलवाया जा सका। पूरे मामले में तहसीलदार यतीश शुक्ला ने कहा कि DMO से बात करके वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद खाद वितरण की व्यवस्था शुरू की गई। आप लोगों ने जाम लगा के रखा है यहाँ पे? समस्या खाद की है। हम लोग 4 बजे से यहाँ लाइन लगा करके बैठे हैं। खाद मिलने में भारी दिक्कत होती है और बिना वहाँ कुछ चस्पा किए और आज गोदाम को बंद कर दिया गया। हम लोग भूखे प्यासे सुबह से वहाँ बैठे हुए हैं। बनियों के यहाँ जाते हैं, उनके यहाँ जो है तो 1500-1600 रुपए में खाद देते हैं। हम लोग यहाँ मतलब 20 किलो 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर से खाद लेने के लिए आए हुए हैं और इसलिए जो वहाँ चस्पा नहीं किया गया बिना सूचना के गोदाम बंद कर दी गई है, इस वजह से हम लोग यहाँ रोड में खड़े हुए हैं कि कोई आए हम लोगों की समस्या को सुने। दुकानों में किसानों के लिए खाद आई है, वो व्यापारियों के लिए बिक्री कर दी गई है, उससे हम लोग को 4 गुना अधिक में खरीदना पड़ता है। ये जो यहाँ पर खाद के वितरण करता है सेन बद्री सेन, वो आज बिना सूचना के अनुपस्थित हो गए हैं। चाबी ताला उन्हीं के पास रहता है, जैसे कि हमको जानकारी प्राप्त हुई है DMO के माध्यम से। तो अभी DMO साहब को सूचित कर दिया गया है रघुवंशी जी को कि वो अपने अन्य व्यक्ति की जो भी खाद का वितरण कर सकते हैं उनको यहाँ पर लेकर आएँ और खाद का वितरण किसानों को जो भी उपलब्ध खाद है उसके आधार पर कराया जाए। सर, CM ने सख्त लहजे में कहा था कि अगर खाद को लेकर किसान नारेबाजी करेंगे तो कलेक्टर को नाप दिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चूँकि जो खाद वितरण यहाँ करता है सेन, वो आया नहीं बिना जानकार सूचना दिए हुए। अभी हम लोग उसके अल्टरनेट व्यवस्था दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर खाद वितरण को प्रारंभ करा रहे हैं। कर्मचारी के ऊपर भी कार्रवाई की जाए, परेशान है लोग। हाँ, उसके पता चला कि कल उसके विरुद्ध FIR दर्ज हो गई है कर्मचारी के विरुद्ध में। ऑलरेडी उसके ऊपर FIR है, तो शायद बिना उसने मोबाइल भी स्विच ऑफ कर रखा है, इसे संपर्क नहीं हो पा रहा। अगर चाबी नहीं मिल पाती तो हम ताला ऑफिस का निकलवा करके दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था करके खाद का वितरण कराएंगे। कल शायद सर उसी प्रबंधक के खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ था? हाँ, पता चला है। करहिया मंडी में जब कल जो धान पकड़ी गई थी विगत वर्षों की जो बेची जा रही थी, उसके विरुद्ध उसमें उनका भी नाम है शायद, ऐसा जानकारी प्राप्त हो रही है अभी। बात करते हैं बुलेटिन की अगली खबर की। ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए गांजा सप्लाई के बाद अब सोशल मीडिया के माध्यम से अवैध हथियार बेचने का कारोबार करने वाले एक शातिर बदमाश को शहडोल SP की स्पेशल टीम व बुढ़ार पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए पकड़ा है। बुढ़ार पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद कर कार्यवाही की गई है। साथ ही यह भी पता लगाने में जुटी है पुलिस कि अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से कितने लोगों को अवैध हथियार बेचे जा चुके हैं। बुढ़ार थाना क्षेत्र के इतवारी टोला निवासी शिवेंद्र मिश्रा सोशल मीडिया के माध्यम से अवैध हथियार देशी कट्टा खरीद फरोख्त के लिए अपने संभावित ग्राहकों की तलाश में बाइक पर चमड़िया पेट्रोल पंप के समीप था, जिसे SP की स्पेशल टीम व बुढ़ार पुलिस ने संयुक्त रूप से रंगे हाथों पकड़ा, जिसके पास से एक देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। साथ ही अभी पता लगाने में जुटी है पुलिस कि अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से कितने लोगों को अवैध हथियार बेचे जा चुके हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। इस तरह का इसमें कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में देखने को मिला था कि एक युवक कट्टा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। ये बात हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आई थी। इस पर उनका निर्देश प्राप्त हुआ था, इसका पता लगाया गया और मुखरू डेवलप किए, उसके आधार पर ये सोमू मिश्रा यहीं के रहने वाला है अतरिया टोला का, दबिश दे करके और पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, जिसके पास एक कट्टा बरामद किया गया है और इसके सोमू मिश्रा के विरुद्ध एक आध प्रकरण पूर्व में भी पंजीबद्ध है।
उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत नवनिर्मित कॉलेज के आगे और गार्डन ढाबा के पीछे नाले में एक युवक का शव मिला। प्रथम दृष्टया शव तकरीबन 72 घंटे के अधिक समय का बताया जा रहा है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और जरूरी कार्यवाही कर शव का पीएम करने के लिए जिला चिकित्सालय उमरिया भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों के पैनल द्वारा शव का पीएम किया गया। मृत युवक करीब 3 दिन से अपने घर महुरा से गायब था। परिजन बताते हैं कि गांव के कुछ लोग उनके बेटे के ऊपर मोबाइल चोरी का इल्जाम लगाए हुए थे और इन लोगों के द्वारा ही उनके बेटे से मारपीट की गई थी। सवाल इस बात का है कि युवक किन परिस्थितियों में साइकिल समेत नाले के पास पहुंचा। इस मामले में युवक की हत्या होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि मृत्यु के बाद मिली चिट्ठी में अगर कुछ सच्चाई है तो ये मामला आत्मघाती कदम का प्रतीत होता है। पुलिस अब इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। देखना है कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। सीधी कलेक्टर की एक बड़ी कार्यवाही देखने को मिली, जहां लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि सीएम हेल्पलाइन शिकायत में शिकायतकर्ता अटल मिश्रा ने हेल्पलाइन शिकायत दर्ज कराई थी कि लोक सेवा केंद्र सीधी में भुगतान किए जाने के बाद भी रसीद नहीं दी गई, जिस पर आवेदक के द्वारा कहा गया था कि भुगतान की रसीद दी जाए और लोक केंद्र पर कार्य व्यवस्था भी सुधारी जाए, जिससे आवेदकों को हो रही असुविधा से छुटकारा मिल सके। अधिवक्ता प्रताप सिंह द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया कि कलेक्टर न्यायालय में अपील प्रस्तुत किए जाने के लिए लोक सेवा केंद्र सीधी में आवेदन पंजीयन के लिए पेश किया गया था। इस अपील को केंद्र के द्वारा ऑनलाइन अपर आयुक्त न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया, जिसके सुधार के लिए कई बार केंद्र में संपर्क किया गया लेकिन सुधार नहीं किया गया। अब इस संबंध में सीधी कलेक्टर द्वारा लोक सेवा आयोग से जवाब मांगते हुए नोटिस में कहा गया है कि अपना प्रतिवेदन 7 दिन के अंदर प्रस्तुत करें कि अनुबंध आरएफपी के तहत सौंपे गए दायित्वों का उल्लंघन किए जाने पर क्यों ना के तहत विधि अनुरूप आप पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।